दोस्तों आज के शो में आप सभी के लिए काफी जबरदस्त ट्रिक का रिव्यू लेकर आया हूं, और ये जो ट्रिक है दोस्तों आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। अगर दोस्तों आप अपने फोन में व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में दोस्तों ये जो ट्रिक है आपको काफी ज्यादा पसंद आ जाने वाला है। दोस्तों इस ट्रिक की मदद से आप अपने किसी भी फ्रेंड को, जी हाँ दोस्तों आप अपने किसी भी फ्रेंड को जब व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज लिख के भेजेंगे ना, या फिर कोई भी मैसेज कॉपी करके भेजेंगे ना, तो वहां पर दोस्तों वो जो मैसेज है उसके पास नॉर्मल टेक्स्ट में ना जाके उसके पास दोस्तों स्टाइलिश टेक्स्ट में वो मैसेज पहुंच जाएगा। जी हाँ दोस्तों आप अपने किसी भी फ्रेंड को व्हाट्सएप पे स्टाइलिश टेक्स्ट में मैसेज को भेज सकते हो, और यहां पर दोस्तों आपको बार बार कॉपी और पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली दोस्तों आपको एक क्लिक करना, और एक क्लिक करने के बाद दोस्तों आप अपनी मर्जी से दोस्तों आप अपने स्टाइल के टेक्स्ट को वहां पर चूज कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों वहां पर आपको एक स्टाइल को चूज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, वहां पर दोस्तों आप अपनी मर्जी से किसी भी स्टाइल को चूज कर सकते हो, और वहां पर दोस्तों अपने किसी भी फ्रेंड को स्टाइलिश टेक्स्ट में मैसेज कर सकते हो। तो ऐसे में दोस्तों अगर आपकी कोई खास फ्रेंड है या फिर गर्लफ्रेंड है तो इस एप्लीकेशन को, इस ट्रिक को आप अपने फोन में जरूर से यूज करेगा। इस ट्रिक की मदद से दोस्तों आप अपनी गर्लफ्रेंड को काफी आसानी से यहां पर इंप्रेस कर सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कौन सी एप्लीकेशन है, कहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, और डाउनलोड करने के बाद किस तरीके से इस एप्लीकेशन को यूज किया जाएगा, तो ऐसे में दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ताकि यहां पर आपको सारी बातें समझ में आ जाए। तो चलिए अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहां पर मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने भी इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को आप लाइक जरूर से कर दीजिएगा। उसके बाद जिन्होंने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे उनको लाल रंग का एक सब्सक्राइब का बटन नजर आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। उसके बगल में आपको छोटा सा घंटी का आइकन नजर आएगा तो उसे आप जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पर इस तरह की जितनी भी वीडियोस आएंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। उसके अलावा दोस्तों यहां पर आप सभी को एक छोटा सा काम और भी करना है, तो यहां पर आप सभी को जाना नीचे, और नीचे जाने के दोस्तों यहां पर आप सभी को कमेंट बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना, और यहां पर दोस्तों आप सभी को लिख देना स्टाइलिश टेक्स्ट, ठीक है। तो यहां पर आप स्टाइलिश लिख दीजिएगा, तो यहां पर मैं भी लिख देता हूं। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको टेक्स्ट लिख देना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको इसे सेंड कर देना, और जैसे ही दोस्तों आप इसे सेंड करेंगे तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कौन सी एप्लीकेशन है और किस तरीके से इस एप्लीकेशन का यूज करके आप अपने व्हाट्सएप पे नॉर्मल टेक्स्ट को यहां पर स्टाइलिश टेक्स्ट में बदल के अपने फ्रेंड के साथ चैटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे दोस्तों मैं अपने व्हाट्सएप को ओपन करता हूं, और यहां पर दोस्तों मान के चलिए मैं कोई मैसेज को यहां पर लिख देता हूं, तो यहां पर मैं हेलो लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां पर हमने हेलो लिख दिया। अब दोस्तों यहां पर आप मेरी होम स्क्रीन पर देखेंगे आपको एक छोटा सा पॉपअप बटन दिख रहा होगा, जैसे दोस्तों मैं इस गोले के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहां पर दोस्तों आप देखेंगे हमारे सामने कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं, यहां पर कई सारे स्टाइलिश फॉन्ट आ जाते हैं, और इनमें से दोस्तों मैं अपनी मर्जी से चूज कर सकता हूं कि किस स्टाइल में अपने फ्रेंड को मैं यहां पर टेक्स्ट को सेंड करूंगा। तो यहां पर मेरे सामने कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे मान के चलिए मैं ये वाला चूज करता हूं तो यहां पर ये वाले में बदल जाएगा, जैसे मान के चलिए अगर मैं ये वाला चूज करता हूं तो यहां पर इस वाले टेक्स्ट में चेंज हो जाएगा। तो यहां पर दोस्तों मैं अपनी मर्जी से यहां पर चूज कर सकता हूं अपने फ्रेंड के साथ किस टेक्स्ट में चैटिंग करूंगा। तो यहां पर मेरे सामने कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, यहां पर दोस्तों जो भी मुझे अच्छा लगेगा सिंपली मैं अपने फ्रेंड को उस स्टाइल में यहां पर सेंड कर दूंगा, और यहां पर दोस्तों इस तरीके से मैं स्टाइलिश टेक्स्ट को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकता हूं। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप भी इस एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड करना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कौन सी एप्लीकेशन है और किस तरीके से इस एप्लीकेशन को आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी को अपने फोन में इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने डाल दिया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा।